Hey guys, welcome back to my channel Nupur's Vlog. How are you all guys? So in today's vlog, I'm going to share with you guys my hair care routine जो मैं हमेशा से follow करती आई हूँ. Like बचपन से जो मैं चीज़ें अपने बालों के लिए करती आई हूँ वही मैं आप लोगों को बताऊँगी. और ये हेयर केयर रूटीन मुझे मेरी मॉम ने सिखाया है, सो मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ आप हेल्दी फूड खाओ. खाना खाना अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अंदर से अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे, तभी आप ऊपर से भी अच्छे लगोगे, प्लस आपके जो हेयर हैं नेचुरली भी अच्छे रहेंगे, फिर आप इनको और अच्छा कर सकते हो, राइट? सो खाना अच्छा खाओ. सेकेंड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पीना है. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है हेयर ऑयल. हेयर ऑयल आपको वीक में एक बार तो ज़रूर करना है. हेयर ऑयल करने से आपके बाल हेल्दी रहेंगे, प्लस इनका ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, बिकॉज आप हेयर ऑयल के बाद मसाज करते हो, उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपके बाल नेचुरली अच्छे हो जाएंगे. सो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शैम्पू है. अच्छा शैम्पू आप यूज़ करो जो भी आपके बालों को सूट करता है. मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो कभी भी मैं एक शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ. हर 3 महीने पे मैं अपने शैम्पू को चेंज करती रहती हूँ. सो आपको जो पसंद है आप वही शैम्पू यूज़ करो, लेकिन वो सल्फेट फ्री हो, ये चीज़ आप ध्यान में रखो. सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंडीशनर. जब भी आप कंडीशनर यूज़ करोगे, कंडीशनर हमेशा आप कानों के यहाँ से और नीचे बालों के हेयर टिप तक अच्छे से कंडीशनर को आपको लगाना है और इसे 4 to 5 मिनट्स तक स्टे करने देना है अपने बालों में. उसके बाद ही आपको ल्यूक वार्म वाटर से, कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को आप वॉश मत करो, ल्यूक वार्म वाटर से इसे क्लीन करो. अगर आप ल्यूक वार्म वाटर से नहीं कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोल्ड वाटर से भी कर सकते हो. सो जो नेक्स्ट स्टेप है, बालों को धोने के बाद बालों को सुखाना. कभी भी आप जब बाल अच्छे से वॉश करते हो उसके बाद इसको हेयर ड्रायर से जितना कम हो सके, अगर आपको इमरजेंसी जल्दी से बाहर नहीं जाना है तो इसको नेचुरली ड्राई होने दो, वो ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि ब्लो ड्रायर से आप जो हीट से इसे करते हो ड्राई, इससे आपके बाल ड्राई होते हैं. ड्राई होने की वजह से ये फिर फ्रिजी होंगे और ये काफ़ी डैमेज हो जाते हैं. सो ब्लो ड्रायर जितना अवॉइड कर सको उतना बेटर है. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है सीरम. आप अपने बालों में अच्छे से सीरम यूज़ करो. वो भी आपको अपने स्कैल्प पे नहीं यूज़ करना है, अपने बालों पे ही यूज़ करना है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगता है जो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में किया है, यही मैंने आपके साथ शेयर किया है. मैंने पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताया है अभी, बिकॉज सब प्रोडक्ट आप अपनी अपनी पसंद से यूज़ करो. बिकॉज आप बेटर जानते हो अपने बालों को, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट लो, आप वो यूज़ करो. लेकिन ये जो स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं, अगर आप ये करते हो आपके बाल डैमेज कम होंगे, प्लस ये टूटेंगे कम और ये हेल्दी रहेंगे. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मुझे आप बताना ये स्टेप आपके लिए भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं. बाय गाइज.